जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में प्लेसमेंट टाइम पर जब हमारे इंटरव्यू होते थे, ठीक है, मैं ये चीज कई दिनों से फील कर रहा हूँ कि यूपीएससी का जो टॉपर होता है उसकी बोलने का तरीका और एटीट्यूड, और जो जेई के टॉपर होता है, मेहनती दोनों होते हैं, ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा एज का भी डिफरेंस है, वहां पर लाइफ भी कुछ सिखा देती है, लेकिन 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 एक जो डिफरेंस मैं फील कर पा रहा हूँ कई दिनों से, और मैंने शायद आपको कम्युनिकेट भी किया होगा कि हम लोग आपको सब्जेक्ट तो सारी कोशिश कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट सीख जाए, लेकिन आप अच्छा इंसान भी बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप अच्छी तरीके से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाए, भले ही वो बहुत गुस्से वाली ही क्यों ना हो, ठीक है, भले ही वो बहुत डिप्रेसिव ही क्यों ना हो, भले ही वो बहुत खुशी वाली ही क्यों ना हो, ठीक है, कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपने कभी ऐसे तो नहीं बोल दी कोई बात कि दूसरे को नीचा फील हो गया, या कभी आपने गुस्से वाली बात ऐसे तो नहीं बोल दी कि किसी को हर्ट हो गया, ठीक है, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको अपने इंटरव्यू टाइम पे जो मैंने चीजें सीखी थी, और वो कॉलेज भी सिखाता है, ऐसा नहीं है, वो कॉलेज का टाइम भी आपको सिखाएगा, ठीक है, तो अगर आप एक अच्छी रैंक लेके आते हैं वो एक नो डाउट एडिड एडवांटेज है आपके एकेडमिक फ्रंट पर, लेकिन पर्सनल फ्रंट मेरे को पता है कई सारे बच्चों का बहुत वीक है, ठीक है, जैसे मैंने कल आज ही दोपहर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि अगर आप में कोई कमी है तो वो क्या है और क्यों है, ठीक है, तो कई सारे बच्चों का जो बोलने का तरीका, आपको अपनी कमी बतानी, उसमें मैं कोई जज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन किस तरीके से आप बता पा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से पूछी गई थी कि आप अपनी वीकनेस बताइए, ऑब्वियस सी बात है कि जिस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूं अगर वो मेरे से कमियां पूछेगा तो मैं कमियां अपनी ज्यादा बता दूंगा, ठीक है, ऑनेस्ट के उसमें तो मेरा वैसे ही वो पत्ता कट जाएगा, ठीक है, अगर नहीं बताऊंगा, ठीक है, घुमा फिरा के सर मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तब भी पत्ता कट जाएगा, लेकिन आपको बोलना है। अब बोलना किस प्रकार से, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि सर मेरे अंदर एक खास बात है कि मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूं और मैं अपना काम हमेशा टाइम से पहले करने की कोशिश करता हूं, और जब भी मैं अकेले काम कर रहा होता हूं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मैं कभी भी काम को प्रोकेस्टिनेट नहीं करता, डिले नहीं करता। मेरे साथ एक इशू बड़ा नहीं बनाया, एक इशू ये आता है सर जनरली टीम वर्क में जब मैं लोगों के साथ काम करता हूं और अगर किसी ने अपना काम समय से पहले या समय पर नहीं किया तो मैं शायद थोड़ा सा उस चीज से अपसेट हो जाता हूं जिससे मेरा काम थोड़ा सा हैम्पर होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने अपना एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताया वहां पर कि मैं अपने काम के लिए कितना सीरियस हूं, लेकिन साइड बाय साइड एक ऐसी कमी बताई कि अगर आपकी टीम में ये देखो ये वाली प्रॉब्लम तो चलती नहीं है ना भाई, कि अगर मान लो मेरे को 10 लोग दिए जाए सारे डिले करेंगे तो भाई काम कैसे होगा। तो ये कंपनी के फ्रंट से अच्छी बात भी है, कंपनी के फ्रंट से अच्छी बात भी है कि हाँ यार ये बंदा काम को डिले नहीं होने देगा, लेकिन मैंने उसमें अपनी एक वीकनेस भी बता दी कि मैं जनरली अपसेट हो जाता हूं या लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूं, ठीक है। तो आपको अपनी कमियों को बताने का भी तरीका होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको मेरी कमी भी बतानी है आप अच्छे वे में बताइए, अच्छा वे में मतलब ये नहीं है अप्रेज करने वाली बात, लेकिन आप उसको इस तरीके से बताइए कि मैं एटलीस्ट उसको ग्रैस्प कर पाऊं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम, वो ईगो क्लैश ना आ जाए, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब आप कंपनीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स नहीं देखते, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स देखते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्क्स नहीं देखते। जो बच्चे अभी सिर्फ रैंक 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 के पीछे जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अपने आप को इवॉल्व करिए, नो डाउट आप करिकुलम नहीं कर पा रहे, मतलब फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट बात करने का तरीका तो इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों से बात करते हैं वो तो इंप्रूव कर सकते हैं, तो उस चीज पर आप अभी से काम करिए, क्योंकि कंपनी आपको और फ्रंट्स पर भी, आप बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन आप कंपनी में जाके 10 लोगों को डिमोटिवेट कर दोगे, काम नहीं करने दोगे, तो आपको वो कंपनी नहीं रखेगी, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा ऊपर आ रही है तब भी मैं ये सही बात नहीं कहता, लेकिन तब भी कंपनी उसको प्रेफर नहीं करती। रीजन बीइंग, आप कंपनी में जब काम करते हैं तो एज अ टीम काम करते हैं, आप इकलौते बंदे नहीं होते, तो जब आप ढंग से नहीं बात करेंगे, आप हमेशा लोगों पे गुस्सा करेंगे, तो उससे आपका आप भी काम नहीं कर पाएंगे और कंपनी आपसे आउटपुट नहीं ले पाएगी। आप चाहे किसी भी कॉलेज में जाएं, ठीक है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखिए। क्लियर। जो बच्चे पैकेज के पीछे जा रहे हैं फिर आप वही चीज कर रहे हो, मैं आपको जड़ से मजबूत करने की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ फल खाने की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं,
ठीक है, जो समझदार बच्चे होंगे वो जान जाएंगे कि हाँ कि किस तरीके से चीजों को इंप्रूव करना है। और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो सकते, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश चाहे जितना सीख लो बेटा, बात करने का तरीका ना घर से ही आएगा, ठीक है, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं वो मैटर करेगा।